दोस्तों, भारत में अक्सर लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि मिर्च की कुछ प्रजातियाँ तो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ तो इतनी तीखी होती हैं कि लोगों को महज एक मिर्च खाने पर ही पसीना छूट जाते हैं। किसी भी खाने का रंग और तीखापन मिर्च के बिना पूरा नहीं होता है। जब तक खाने में मिर्च का लाल रंग नहीं डाला जाता है, तब तक खाना बिल्कुल भी फीका सा दिखाई देता है। यहाँ तक कि लाल रंग ही खाने के स्वाद का असली रंग लेकर आता है, यानी किसी तरह का खाना मिर्च के बिना अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तीखा मिर्च कौन है और इसको कहां पर उगाया जाता है? तो आज की वीडियो में हम आपको इसी मिर्च के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका तीखापन जानकर आपको भी पसीने आने लगेंगे और आप उसे खाने की कभी भी नहीं सोचेंगे। दोस्तों, इस मिर्च का नाम है कैरोलिना रीपर, जो अमेरिका में उगाया जाता है। कुछ कुछ शिमला मिर्च की तरह दिखने वाला इस मिर्च का नाम दुनिया का सबसे तीखा मिर्च के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज तक इतनी तीखी मिर्च दुनिया में कभी नहीं पाई गई जितना तीखा ये कैरोलिना रीपर है। साल 2012 में दक्षिणी कैरोलिना की यूनिवर्सिटी ने इस मिर्च के तीखापन की जाँच की थी। किसी भी चीज़ का तीखापन SHU में मापा जाता है। SHU जितना ज़्यादा होता है, तीखापन भी उतना ही खतरनाक होता है। आम मिर्च में SHU 5000 के करीब पाया जाता है और इस कैरोलिना रीपर में 15 लाख SHU पाई गई थी। कैरोलिना रीपर नामक इस मिर्च को खाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण साल 2018 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखने को मिला था, जब यहाँ एक 34 वर्ष के व्यक्ति ने मिर्च खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें दुनिया का सबसे तीखा मिर्च इतनी ज़्यादा खा ली थी कि उसके सिर में दर्द होने लगा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैरोलिना रीपर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने से पहले भारत की भूत जोलकिया को दुनिया का सबसे तीखा मिर्च माना जाता था। इसकी खेती असम नागालैंड में की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ।